गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के मलहुआ टाण पंचायत अंतर्गत चित्रा पहाड़ी में ग्रामीणों ने धूमधाम से की डोमा पहाड़ी बाबा की पूजा। बता दें कि यह पहाड़ी प्राची डी के जंगल चित्रा पहाड़ी में स्थित है। लोगों के अनुसार बाबा की शक्ति अपरंपार है। यहां के शक्ति की बात करें तो बाबा के गर्भगृह से वापसी में पीठ दिखाना मना है, जिसके वजह से कुछ दूर तक उल्टे पैर वापस आना होता है। साथ ही यहां के प्रसाद को घर नहीं ला सकते, जंगल के सरहद के अंदर ही उसे खत्म करना होता है। ऐसा नहीं करने पर किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती है। ग्रामीणों के अनुसार इससे पूर्व जिन लोगों ने नियम के साथ खिलवाड़ किया उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। यहां के पुजारी मनु राय ने कहा कि यह पूजा सैकड़ों सालों से होती आ रही, हमारे जानकारी से हमारी 3 पीढ़ी पूजा कर रही है। बाबा के शक्ति पर उन्होंने कहा कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। वहीं रोहन महतो ने कहा कि बुजुर्गों के अनुसार यह पूजा सन 1800 से चली आ रही, आज भी बाबा की कृपा हम सब पर बनी है, यहां मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। वैसे यहां हर 5 साल में पूजा होती है, लेकिन किसी की मन्नत पूरी होने पर कभी भी पूजा की जा सकती है। चित्रा पहाड़ी निवासी नागेश्वर ठाकुर ने कहा कि बाबा की कृपा की अकेले इस घेरने जंगल में बस पाए और आज इसे एक गांव का मान्यता मिल गया। गांव के बुजुर्ग जागो महतो ने कहा कि यहां पूजा कब से हो रही इसका तो अंदाजा नहीं, लेकिन काफी सालों से यहां पूजा की जा रही और यहां मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। पूजा में सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे और बाबा के जय जयकार से जंगल गूंज उठा। नागेश्वर ठाकुर, घर कहाँ हुआ आपका? चित्रा पहाड़ी। आपके घर के बगल में जंगल में जो डोमा पहाड़ी बाबा का पूजा हो रहा है उसके बारे में बताइए कुछ। हाँ बताएंगे सर। इसमें हम लोग यहाँ जंगल में अकेले रहते हैं, 5-6 हंडिया हैं यहाँ, जो कि जब भी रात बरात को निकलते हैं किसी तरह आफत विपत पड़ता है। सांप भी से आज तक नहीं हम लोग का किसी काटा है, नाम जब इसका लेते हैं सब भय दूर हो जाता है। यहाँ से जब रात को निकलते हैं 12 बजे रात निकलो, 2 बजे रात निकलो, बस नाम लेके निकलो, सब किसी का डर भय नहीं। ऐसी के बदलत हम लोग जंगल में रहते हैं और जो भी सोचते हैं इसको हम लोग पूजा पाठ करते हैं, मनोकामना पूरा होने के बाद पूजा करते हैं। धन्यवाद। मोहन प्रसाद वर्मा, बल्टिया करने वाले, परासी डी। अच्छा, यहाँ पे बाबा डोमा पहाड़ी में जो पूजा है वो पूजा आप लोग ही कर रहे हैं? हाँ, हमें तो कर रहे हैं। आपको ध्यान है कि पूजा कितने साल से हो रहा होगा? ये तो बहुत पहले से हो रहा है। अच्छा, पूजा करीब 100 साल से पुराना हो रहा है। अच्छा, क्या महत्व, क्या रखते विश्वास आस्था मतलब यहाँ बाबा डोमा पहाड़ी पे? ये पूजा हम लोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ मनोकामना पूरा हुआ इसीलिए हम लोग पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मतलब बाबा में शक्ति आपको लग रहा है कि मतलब है? बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। लोगों को मतलब यहाँ आना चाहिए बाबा के दरबार में? हाँ, बहुत शक्ति है, बहुत दूर दूर से आता है भी है, पूजा करता है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जागो महतो, मकान परांसी डी, और हमारे हलका में इलाका हमारा डोमा पहाड़ी स्थान है, मौजा चित्रा पहाड़ी, वहीं पूजा ये हो रहा है। और ये पूजा आज से नहीं, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हम कि कब से हो रहा है। एक पुल खंडन जब से यहाँ बसा होगा, जो वो किया है कौन किया है ये नहीं जानते, लेकिन नाम डोमा पहाड़ी है स्थान का। अच्छा, बाबा के कुछ चमत्कार मतलब का जो इच्छा जिसको है कोई तरह की घटना है उसमें भी गचता है, वर्षा पानी उसमें भी पूजा होता है। ये मौजा के बसिंदा है, किसी को श्रद्धा हुआ जब सब पूजा होता है, पूजा में कोई दिक्कत नहीं, और जो भी इच्छा मांग वो भी पूरा करने वाला देवता है। नाम हुआ आपका? मन्नू राय। घर कहाँ हुआ आपका? भेखोडी। यहाँ प्राची डी डोमा पहाड़ी जंगल में जो है वहाँ पे आप पुजारी हैं? हाँ, वहाँ पे। कितने साल से पूजा कर रहे हैं? बोल रहे हैं कम से कम 100 साल होगा। तो 100 साल हम नहीं, 100 साल किए हैं। जैसे हम ये तो हम हाल फिलहाल से जब हमारा दादा छोड़ दिया, बाप छोड़ दिया, तो हम जैसे करने लगे पूजा। अच्छा, तो यहाँ के क्या महत्व मतलब क्या शक्ति? यहाँ का शक्ति यही है, जैसे कि यहाँ पूजा करने के बाद में बाबा डोमा पहाड़ी बाबा जो है से मनोकामना पूरा करते हैं। बारिश वरिश में जैसे जब नहीं हो रहा है, तो एक साल आगे ऐसी बारिश नहीं हो रहा था, भीड़ सब जल गया था, तो इन लोग आकर पूजा वूजा दिए। यहाँ से कुम्हरगढ़िया तक नहीं पहुँच पाए,
और पूरा बारिश होने लगा, तो वही थोड़ा चमत्कारी दिखाया तो हम उसको विश्वासी मानते हैं। सिर्फ बारिश के लिए चमत्कार मानते हैं, हर चीज में चमत्कार मानते हैं? हम तो हर चीज के लिए थोड़ा बहुत मानते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, हर चीज के लिए। अच्छा, इसके यहाँ पे पूजा साल भर में कभी भी होता है या कुछ लिमिट है? नहीं, साल भर में एक बार होता है। कई जो मानसिक पूजा जो है से कम 5 साल में एक बजे करते हैं लोग सब पूरा गांव वाले मिल के। हैं, उसके बाद में जब उनका मनोकामना पूरा होता है तो और ही साथ में भी होता कभी है, भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, तो अभी जैसे कि आप चाहते हैं कि ये इतने चमत्कारी बाबा है तो लोगों को इसकी जानकारी मिले, लोग सब जाने यहाँ पे आए बाबा के पास। हाँ, तो अगर बाबा अपना चमत्कारी दिखाएंगे तब ना बाबा के पास आएंगे। जी जी, थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? रोहन माता। घर कहाँ आपका? प्राचीडी। सब प्राचीडी के निवासी हैं? प्राचीडी। अच्छा, यहाँ पे जंगल में जो डमा पहाड़ी है वहाँ पे जो पूजा हो रहा है आज, इस बाबा के बारे में बताइए कुछ। ये पूजा अगर 1700 से चला आ रहा है, ये हमारा पूर्वज मैंने 4 पीढ़ी के पहले से, एक मेरा मकान था यहाँ पर चित्रा पहाड़ी में, और वही लोग पूजन करने का शुरू किए। तो यहाँ बहुत सा जैसे घना जंगल रहता था और बहुत बाघ तबाह करते थे, मैंने 4 भाई हमारा पूर्वज था, एक को बाघ खा गया। तो यहाँ से चल करके प्राचीडी गए और वहाँ निवास बना, और इसी तरह से बराबर से 1700 से इसका पूजन करते हुए चले आ रहे हैं। इनका जो पूजा में ये थी भिखोड़ी का भक्ता था, वही पूजा करते थे। तब एक बार पूर्वज हमारा बोल के सुनाते थे कि भूला गए लोटा, जो कि लाने के लिए अपना बच्ची को भेज दिए, और वह पीछे मुड़ करके नहीं चलने पर वह बच्ची वहीं समाप्त हो गई। अच्छा, मतलब यहाँ पे एक महत्व है कि वहाँ जहाँ पे बाबा का निवास है वहाँ से हम पीठ उन्हें नहीं दिखा सकते? हाँ, पीठ पूजा करके चलने के बाद में पीठ कोई नहीं दिखा सकते, ये पीठ जो दिखाता है। और वह सरोजनी में नहीं, 10 गो आ रहे हैं तो नहीं, अकेले में जा करके पीठ दिखा देगा तो नहीं निकल सकता है। और फिलहाल की बात है, ये जो पूजवा करते हैं लोकनाथ महतो 80-85। हाँ, 85 में एक हमारा चचेरा लोकनाथ मातो थे, जो कि अपना से वह पर्सनल पूजा करने के लिए आए। जब वो आए, पूजा वूजा सब हो गया, तब वो जो भगत था पुजारी सो था नैया डी का, वो भक्ता में कहलाता था, पुजहरा भक्ता में। तो वे पूजा वूजा करके वह क्या किए कि जो उसका मूढ़ी है और जो प्रसाद खीर बनता है वह वे समझे कि हम नया कर रहे हैं, हम अपना घर ले जाएंगे। तो यही उद्देश्य वह घर लेने के लिए निकल पड़े। तब उनका कोई रूप, हमारा चचेरा का रूप मेन मालिक था चुल्हन मातो, चुल्हन मातो का रूप बन करके उसको बोले कि तुम ये लेके जा रहे हैं और ये चौधरी का पार मत कीजिए, वो नहीं माने। अच्छा, मतलब ऐसा है यहाँ पे कि यहाँ का प्रसाद घर नहीं ले जा सकते? कोई ऐसा चीज है इसका घर प्रसाद नया जो मीट मछली मीट बनता है, मूढ़ी भक्ता कर लगता है, वो कोई नहीं लग सकता है। धन्यवाद।